शिवसेना, आरजेडी, जेडीयू, टीएमसी, सीपीआई, सीपीएम जितने उनके पास गया है, कौन जा रहा है? जहां तक निमंत्रण का सवाल है, इसको ठुकराने का क्या मतलब है? हम क्या संदेश दे रहे हैं? मंदिर में जाने में हमें तो खुशी होगी, लेकिन निर्माण का विधिवत रूप से निर्माण तो पूरा हो जाए। जब राजीव गांधी जी ने वहाँ ताला खुलवाया था, तो आप कौन है मना करने वाले? और चंपत राय वहाँ कौन होता है ये कहने वाला कि शंकराचार्य आए ना आए, उनका मंदिर नहीं है? किसका मंदिर है? दिग्विजय सिंह जी बहुत ज्ञानी महापुरुष, बहुत ज्यादा मुझसे जानकार हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कर सकता। कांग्रेस पार्टी ने कभी धर्म का उपयोग या दुरुपयोग राजनीति में नहीं किया है, वो हमारे लिए राजनीतिक हथियार नहीं है, हमारे आस्था का प्रश्न। बिल्कुल जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए, हम लोग जाएंगे, बार बार जाएंगे, हर साल जाएंगे, हमारी पूरी आस्था भगवान राम में है। कितने लोगों ने स्वीकार किया है? कोई स्थापित हमारे धर्म गुरु ने जाने से स्वीकृति नहीं दी है, आपत्ति की है। धर्मशास्त्र के अनुसार जो मंदिर का निर्माण ही पूरा नहीं हुआ, वहाँ कभी प्राण प्रतिष्ठा किसी मूर्ति की नहीं होती, इसके अशुभ माना जाता है। जितने भी राजनीतिक दल हैं जो जिनको निमंत्रण गया है, केवल कांग्रेस पार्टी नहीं, शिवसेना, आरजेडी, जेडीयू, टीएमसी, सीपीआई, सीपीएम जितने उनके पास गया है, कौन जा रहा है? स्वयं शिवसेना, जो कि बाबरी मस्जिद विध्वंस में सबसे आगे थी, उसने ही मना कर दिया। भगवान राम सबके हैं। कांग्रेस पार्टी ने कभी धर्म का उपयोग या दुरुपयोग राजनीति में नहीं किया है, वो हमारे लिए राजनीतिक हथियार नहीं है, हमारे आस्था का प्रश्न है। इसलिए जो भी निर्णय लिया गया है वो सोच समझ के लिया गया है, और ये हम आपसे अनुरोध करते हैं कि इसे हिंदू मुसलमान या शंकराचार्य और रामानंद स्वामी के बीच, रामानंद संप्रदाय के बारे में इसमें बंटवारा ना करें, इसे मेरी आपसे प्रार्थना है, इसको रोकिए। देखिए, राजीव गांधी जी उन्होंने ताला खुलवाया, वीर बहादुर सिंह जी मुख्यमंत्री थे उत्तर प्रदेश के, उन्होंने वहाँ 46 एकड़ जमीन राम मंदिर न्यास को देने की बात कही और वहाँ पर भव्य मंदिर निर्माण की बात कही थी। दुर्भाग्यवश उनको हट गए और राजीव जी की हत्या हो गई, तो मामला खटाई में पड़ गया। उसके बाद वहाँ के साधु संतों ने, पूरे देश के साधु संतों ने इस लड़ाई को लड़ा, बुद्धिजीवी जुड़े, पत्रकार जुड़े, राजनीतिक दल जुड़े, और एक बहुत लंबी लड़ाई कोर्ट में लड़के उन्होंने जीती, और उससे उसके बाद उन्होंने इस निर्माण का कार्य शुरू किया। तो जिन्होंने ये सब लड़ाई लड़ी है वो निर्णय वही करेंगे, तो उन्होंने निर्णय लिया है। अब जहाँ तक निमंत्रण का सवाल है, इसको ठुकराने का क्या मतलब है? हम क्या संदेश दे रहे हैं? जब राजीव गांधी जी ने वहाँ ताला खुलवाया था, तो आप कौन हैं मना करने वाले? और इस तरह के सलाहकार अगर रखेंगे, हमारा नेतृत्व तो रखेगा, तो फिर क्या कहेंगे? जैसे परिणाम आ रहे हैं वैसे आते रहेंगे। गलत है, पुनर्विचार होना चाहिए, इस तरह की फैसला गलत है, पुनर्विचार करना चाहिए। पुनर्विचार करें ना करें, बयान बदले ना बदले, जो नुकसान होना था हो चुका है और चुनाव में दिख जाएगा। दिग्विजय सिंह बयान जो अभी आया है हाल ही में, वो कह रहे हैं कि अधूरा निर्माण हुआ है। और दिग्विजय सिंह जी बहुत ज्ञानी महापुरुष, बहुत ज्यादा मुझसे जानकार हैं, मैं उनके बारे में कुछ नहीं कह सकता। जाना चाहिए, बिल्कुल जाना चाहिए, सबको जाना चाहिए, हम लोग जाएंगे, बार बार जाएंगे, हर साल जाएंगे, हमारी पूरी आस्था भगवान राम में है और रहेगी। सर, कांग्रेस लीडरों ने इसका विरोध किया है और कई छोटे कार्यकर्ता हैं जो इस्तीफा भी दे रहे हैं कि ये जो निर्णय लिया है कांग्रेस का आला कमान ने, ये गलत लिया है, ऐसा विरोध? मैं कार्यकर्ताओं के निर्णय से सहमत हूँ, कार्यकर्ता से पार्टी चलती, किसी नेता से न चलिए न चलेगी। आपको लगता है ये मूर्खतापूर्ण बयान है उनका, मतलब जो निर्णय? मैं ये नहीं कहूँगा कि मूर्खतापूर्ण है, मैं कहूँगा कि अनुचित है। राहुल गांधी जी को लेकर भी आपने एक बयान दिया था हाल ही में कि नाम जानते हैं कर्म से। देखिए, इसमें सीधी बात यह है कि पार्टी कार्यकर्ताओं से चलती है। मैंने ये कहा था, राहुल गांधी हो, हम हो, कोई भी हो, हम लोग कार्यकर्ता पहले हैं।
दूसरी पार्टियों में आप देखते हैं किसी पद पे कोई हो उसको बूथ का प्रभार देते हैं, वो करता है। तो ये जब तक नेता और कार्यकर्ता की दूरी बनी रहेगी कांग्रेस पार्टी को थोड़ा नुकसान उठाना पड़ेगा और उठा ही रहा।